गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज आप पेज नंबर 58 में पढ़ेंगे दिस एंड दैट। THIS दिस, इसे हम दिस पढ़ते हैं, THIS दिस। ANDD एंड THAT दैट, दिस एंड दैट। तो दिस का यूज़ हम कब करते हैं? नियर के चीज़ों के लिए, पास के चीज़ के लिए। और दैट का यूज़ करते हैं जब कोई हम दूर सामान रखा हुआ, कोई थिंग्स हमसे दूरी में है। देखिए यहाँ दूरी पे है, अम्ब्रेला बॉल पास में है, नज़दीक है, यहाँ हम दिस का यूज़ कर रहे हैं। ओके, THIS दिस, IS इज ए BALL बॉल, दिस इज़ अ बॉल, तो यह एक गेंद है। ओके, THAT दैट, IS इज ANN, UMBRELLA अम्ब्रेला, दैट इज एन अम्ब्रेला, वह एक छाता है। ओके, तो यह एक बॉल है, यह एक गेंद है और वह एक छाता है। तो दिस दैट, यहाँ देखिए दिस का यूज पास के नज़दीक की चीज़ों के लिए हुआ है एंड दैट का यूज़ दूर के लिए हुआ है। जो दूर रखे हुए अगर कोई सामान है, कोई वस्तु है, तो उसके लिए दैट का यूज़ हुआ है। जरा नेक्स्ट सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, देखिए पिक्चर्स को देखते हुए, कैट हम देख रहे हैं, यहाँ काइट है। ओके, THIS दिस, IS इज ए CAT कैट, दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। THAT दैट, IS इज ए KITE काइट, दैट इज अ काइट, वह एक पतंग है। THIS दिस, IS इज ए VAN वैन, यह एक वैन गाड़ी है, या फिर गाड़ी बोलिए या वैन बोलिए आप। ओके, THAT दैट, IS इज ए KETTLE एली केटली, दैट इज अ केटली, तो वह एक केतली है। THIS दिस, IS इज ए HOT हर्ट, दिस इज अ हर्ट, यह एक झोपड़ी है। THAT दैट, IS इज ए HAT हैट, वह एक टोपी है। तो दिस का मीनिंग हुआ यह, दैट मीन्स हो गया वह, यह पास है, वह दूर है। ओके, दिस इज अ बॉल, दैट इज एन अम्ब्रेला, दिस इज अ कैट, दैट इज अ काइट, दिस इज अ वैन, दैट इज अ केटली, दिस इज अ हट, दैट इज अ हैट। तो आज आप पेज नंबर 58 रीड करेंगे, स्पेलिंग लर्न करना है दिस एंड दैट। ओके, स्पेलिंग लर्न होना चाहिए तो आप सेंटेंस पढ़ पाएंगे। ओके चिल्ड्रन, गुड बाय।